सदियों पुरानी अयोध्या के वर्तमान की ये तस्वीरें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय अवधपुरी की गवाही दे रही हैं। राम काज तेजी से हो रहा है और राम भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की अयोध्या सबके सामने है, लेकिन सतयुग से कलयुग तक अयोध्या का इतिहास क्या है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज कैसे की? इससे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं। अयोध्या में ये सरयू नदी का किनारा है और सरयू अयोध्या के हर बदलाव, हर वक्त और हर दौर की साक्षी रही है। ऐसी मान्यता है, किद्वंती है और तमाम प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा है कि राजा विक्रमादित्य ने ही अयोध्या का सबसे पहले पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि जिस तरह से राम जन्मभूमि की तलाश की गई उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन राम जन्मभूमि की तलाश में सबसे शुरुआती कड़ी अयोध्या में ये सरयू नदी बनती है, क्योंकि यहीं से वो तमाम दूरियां नापी जाती हैं जिनका ग्रंथों में जिक्र है और जिनके माध्यम से तमाम इतिहासकारों ने और खासतौर पर राजा विक्रमादित्य ने अपने वक्त राम जन्मभूमि की तलाश की। त्रेता युग की श्री राम की अयोध्या कई बार बिगड़ी, कई बार बसी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियां आज भी कायम हैं। इन निशानियों को खोजने में राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। समय के साथ जो है महाराज कुश के द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तित कर देने के बाद और उसके बाद जो है अयोध्या का पराभव शुरू हुआ। उसके बाद ये स्थिति बहुत साल तक चलती रही, तो जो हमको आज अयोध्या दिखाई देती है, जो यहाँ के तीर्थ दिखाई देते हैं, इनकी जो पहचान है ये महाराज विक्रमादित्य के द्वारा की गई। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले उनका उधर उज्जैन से लेकर पूरे मतलब मध्य देश तक पूरा उनका शासन था। त्रेता युग की अयोध्या द्वापर के लाखों वर्षों से होते हुए कलयुग के हजारों वर्षों बाद भी कैसे मिली? इतिहास के पन्नों में इसका श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले रामनवमी के दिन गुप्तार घाट पर राजा विक्रमादित्य विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज प्रयाग की प्रेरणा से ही राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की तलाश शुरू की। उन्होंने ये उनको निर्देशित किया कि आप महाराज विक्रमादित्य को कि आप इस अयोध्या का पुनः जो है पुनरुद्धार की करें, तो उनकी बात को मानकर उन्होंने कहा कि महाराज हम कैसे जानेंगे क्या है कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए अयोध्या के मध्य में जो सबसे पुराना सबसे ऊंचा टीला है उसको राम कोट कहा जाता है, यानी राम दुर्ग, जहाँ जिसको कोट रामचंद्र भी कहा जाता है, उसी में नीचे गुफा में लोमस ऋषि मिलेंगे आपको और लोमस ऋषि ही आपका जो है मार्गदर्शन करेंगे। तो कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य गुप्तार घाट से जो है अयोध्या में रामकोट पे आए, वहाँ थोड़ी देर उपासना की तो दैव कृपा से उनको लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। तो लोमस ऋषि ने बताया कि यही भगवान राम की जन्मभूमि है राम जी की, और ये राम दुर्ग है राम जी का बनवाया हुआ, और यही जो है वो भगवान राम जो पैदा हुए थे उनका स्थान है, सब उन्होंने बताया। अयोध्या का इतिहास बेहद प्राचीन है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया। प्राचीन भारत के कौशल देश के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की राजधानी भी अयोध्या थी। इसके बाद त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए और उनके राज्य की परिकल्पना आज भी की जाती है। काल का चक्र बदलता गया और एक दौर ऐसा भी आया जब अयोध्या का पराभव हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या की खोज में निकले तो गौ माता ने कैसे उनकी मदद की, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। महाराज विक्रमादित्य के द्वारा इस अयोध्या तीर्थ का प्राकट्य हमारे सामने हुआ है। कलयुग में कलयुग के अनेक तीर्थों का और धर्म के बहुत सारे तत्वों का प्रकाश महाराज विक्रमादित्य ने किया है। अयोध्या का अनुसंधान करने के क्रम में वो यहाँ आए और तीर्थराज प्रयाग से उनकी भेंट हुई। तीर्थराज प्रयाग के द्वारा उनको जो निर्देश किया गया और एक गौ के माध्यम से अयोध्या के तीर्थों का चिन्हीकरण करने, उनको पहचानने और उनको फिर से सामने लाने का जो क्रम है, और कथाओं में, विश्वासों में, इतिहास में अयोध्या के जो बात प्रसिद्ध है
कि एक गौ लेकर के वो उसके साथ यहाँ विचरण करते हैं। जहाँ वो बैठेगी वहाँ भगवान का सिंहासन, जहाँ उसके थन से अपने आप दूध की धार गिरेगी वो भगवान का जन्मस्थल, जहाँ वो गोबर करेगी वो कोई स्थान, इस तरह करके कुछ स्थान चिन्हित किए गए और उन चिन्हित किए गए स्थानों से धनुष की माप के आधार पर दिशाओं को बताते हुए कि अमुक दिशा में ये स्थान है, अमुक दिशा में स्थान है, ऐसा करके अयोध्या के महात्म्य में स्कंद पुराण के माध्यम से भी और रुद्रयामल के माध्यम से भी यहाँ के तीर्थों को चिन्हित किया गया और उन्हें निर्मित किया गया। यद्यपि कालांतर में महाराज विक्रमादित्य के द्वारा जो बनाए गए स्थान थे वे भी लुप्त हुए, लेकिन राजवंशों की परंपरा में अनेक बड़े बड़े रजवाड़ों ने उन स्थानों को फिर से बनाया और बचाया और वो बचे रहे और बहुत सारा श्रेय बाद में हमारी संत परंपरा को, विशेष रूप से श्री रामानंद परंपरा को, उसके संतों ने अखाड़े बना करके, छावनियाँ बना करके इन स्थानों को संरक्षित किया और वो परंपरा से हमको प्राप्त है। त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में खोजने और संवारने वाले राजा विक्रमादित्य से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। राम जन्मभूमि की तलाश करना राजा विक्रमादित्य के लिए बहुत आसान काम नहीं था। हालांकि इसके लिए लगातार वो मेहनत करते रहे और आखिरकार उन्होंने राम जन्मभूमि की तलाश की और उन दावों की प्रामाणिकता जांचने और परखने के लिए हमारे कुछ बड़े ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। उसी में है रुद्रायमल, जिसका ये अयोध्या महात्म्य हमारे पास में है। अयोध्या महात्म्य में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है कि राम जन्मभूमि का मूल स्थान क्या है। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये राम की पैड़ी है और बहुत से साधु संतों ने मुझे बताया कि राम की पैड़ी को स्वर्ग द्वार भी कहते हैं और सरयू नदी के इस किनारे से राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे राम जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़े थे, अलग अलग स्थानों को एक आधार मानकर। अब जब हम इस रुद्रायमल के राम जन्मभूमि को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यात्री इस प्रकार कनक भवन में दर्शन पूजन कर श्री राम जन्मभूमि की यात्रा करें, जो विघ्नेश्वर जी से पूर्व दिशा में और वशिष्ठ जी से उत्तर दिशा में स्थित है। यानी स्कंद पुराण में भी यह लिखा गया है कि विघ्नेश्वर जी से पूर्व दिशा में राम जन्मभूमि है और वशिष्ठ जी से उत्तर दिशा में राम जन्मभूमि स्थित है, यही रुद्रायमल में भी लिखा हुआ है। नीचे लिखा है कि श्री लोमस जी के पश्चिम भाग में 500 धनुष से कुछ अधिक दूरी पर श्री राम जन्मभूमि महातीर्थ है। ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। अयोध्या की तलाश पूरी होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहां 360 से ज्यादा मंदिर बनाए, जिनमें भव्य राम मंदिर भी शामिल था। तो जब उनको ये पता हुआ कि ये, तो उन्होंने नागेश्वर नाथ और विघ्नेश्वर नाथ सबका जो है, जब उन्होंने वो स्पष्टीकरण हो गया पूरी, जब गौ घूमने लगी तो वो जाकर वहाँ जो है राम जन्मभूमि जहाँ स्थान था वहाँ उसके स्तन से दूध गिरने लगे। तब ये हुआ कि महामुनि ने, लोमस ऋषि ने जो बताया था कि यही स्थान राम जन्मभूमि है, तब राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के 148 तीर्थों पर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। आज भी तमाम जगहों के मंदिर के लोग बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य का बनवाया हुआ है। यद्य में उसमें तमाम परिवर्तन हुए, समय के साथ उनका जीर्णोद्धार होता रहा। तमाम ऐसी प्राचीन मूर्तियां अयोध्या में हैं जो तकरीबन 2000 साल पहले की हैं और राजा विक्रमादित्य का समय भी लगभग 2000 साल पहले आता है, क्योंकि विक्रमी संवत जो है वो 57 ईस्वी से ईसा पूर्व से शुरू होती है, जिसका हम लोग हिंदू समाज सनातन संस्कृति में दैनिक प्रयोग जो होता है, आचार विचार और रीति रिवाज कर्मकांड जितने हैं हमारे सारे विक्रमी संवत से ही चलते हैं और वही विक्रमी संवत के निर्माता जो है वो जो राजा विक्रमादित्य थे, ईसा पूर्व 57 साल पहले उन्होंने ही अयोध्या का विस्तार किया, विकास किया। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। कहा जाता है कि रामलला का जो मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया उसे ही 1528 में अकबर के सेनापति मीर बांकी ने ढहाया था। अयोध्या की खोज के दौरान नागेश्वर नाथ मंदिर ने भी राजा विक्रमादित्य को राह दिखाई थी। इस वक्त मैं अयोध्या में राम की पैड़ी के पास नागेश्वर नाथ मंदिर के पास मौजूद हूं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लव और कुश ने की थी और जब अयोध्या कई दौर से गुजरी, जब अयोध्या ने अपना उतार चढ़ाव देखा तो भी सरयू नदी और नागेश्वर नाथ का मंदिर हमेशा से यहां पर विराजमान रहा, मौजूद रहा। अयोध्या फैजाबाद में सेटलमेंट ऑफिसर रहे पी कार्नेगी ने 1870 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि राजा विक्रमादित्य ने नागेश्वर नाथ मंदिर और सरयू नदी के माध्यम से ही राम जन्मभूमि की तलाश की।
वहीं अयोध्या के इतिहासकार देशराज उपाध्याय का यह मानना है कि नागेश्वरनाथ मंदिर से दक्षिण दिशा में ही राम जन्मभूमि है और राजा विक्रमादित्य ने यहीं से सबसे पहले राम जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया था और फिर आगे चलकर उन्होंने राम जन्मभूमि की तलाश की और इस तलाश में एक गाय उनकी सबसे बड़ी सहायक बनी। अयोध्या की खोज राजा विक्रमादित्य के लिए चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी किया। स्कंद पुराण में भी प्राचीन अयोध्या का जिक्र है। इस वक्त मेरे हाथ में स्कंद पुराण है और यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। स्कंद पुराण के अयोध्या खंड में साफ तौर पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि के बारे में विस्तार से लिखा गया है, क्योंकि सरयू नदी के किनारे जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको मानक मानकर राम जन्मभूमि की तलाश की गई थी उसका वर्णन सीधे तौर पर इस स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के पेज नंबर 527 पर जो वैष्णव खंड है श्री अयोध्या महात्म्य का, इसमें लिखा है कि विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है, इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्षादि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमश से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। यानी कि बिल्कुल वो तीन स्थान, एक विघ्नेश्वर का जो मंदिर है गुप्तार घाट के पास, वहां से ये पूरब की दिशा में राम जन्मभूमि माना जाता है और साथ ही वशिष्ठ के आश्रम से यह उत्तर की दिशा में राम जन्मभूमि को माना गया है स्कंद पुराण के मुताबिक, और लोमश मंदिर के पास से पश्चिम दिशा में भगवान श्री राम का पवित्र जन्म स्थान है ये स्कंद पुराण कहता है। राजा विक्रमादित्य के बाद कई दूसरे शासकों ने भी अयोध्या का विकास किया, जिसमें गुप्तकाल के राजाओं और गहड़वाल राजाओं का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद इतिहास में समय बदलता गया, कई बार बनते बिगड़ते गए, जो कई राजाओं ने अपने अपने समय पे, गुप्त राजाओं ने, राजा समुद्रगुप्त का यहाँ एक सैन्य शिविर था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त मतलब समुद्रगुप्त के पुत्र थे उन्होंने अयोध्या में कई जो है मंदिरों का निर्माण कराया, इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी कुछ दिन के लिए। उसके बाद हमें यशोवर्मन कन्नौज के राजा थे उन्होंने मंदिर बनवाया, और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर गाहड़वाल राजाओं ने अयोध्या में बनाया। यानी विक्रमादित्य के बाद जो दूसरा जो है परिवार मतलब विकास अयोध्या का हुआ वो गाहड़वाल यानी कन्नौज के गाहड़वाल राजा जैसे गोविंद चंद थे, चंद्रदेव थे और राजा जयचंद थे, इनके समय में जैसे ये जो प्राचीन राम जन्मभूमि पे मंदिर था भगवान का, इसको राजा गोविंद चंद ने बनवाया था और 1992 के उसमें जो है उसका एक अभिलेख निकला था। उस अभिलेख से जो है इस बात को एकदम क्लियर हुआ है, स्पष्ट हुआ कि राजा गोविंद चंद ने बहुत विशाल मंदिर का बनवाया था। प्राचीन अयोध्या से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य हैं, अलग अलग जगह उनका उल्लेख भी है। विदेशी लेखक हंस बेकर की किताब भी अयोध्या के इतिहास से जुड़े कई पहलू समेटे हुए है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के बारे में विदेशी लेखक हंस बेकर ने भी अपनी किताब में लिखा है। हंस बेकर कुछ ऐसे विदेशी लेखक थे जिन्होंने काफी लंबा समय अयोध्या के इतिहास के बारे में, अयोध्या की जानकारी के बारे में सब कुछ बिता दिया यह जानने के लिए कि भगवान राम की अयोध्या किस तरह से है। और जब हंस बेकर की इस अयोध्या किताब को मैं पढ़ता हूँ जिसका नाम ही अयोध्या है, हंस बेकर ने लिखी है, और इस अयोध्या में कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं, अयोध्या इस किताब का शीर्षक है और हंस बेकर ने इसे लिखा है, विदेशी लेखक है। इस किताब के पार्ट टू में जो इसका दूसरा हिस्सा है अयोध्या के, उसके पेज नंबर 145 पर हंस बेकर ने साफ तौर से लिखा है कि जो एरिया है, उन्होंने कुछ ये डायग्राम बनाए हुए, नक्शा बनाया हुआ है, विघ्नेश्वर मंदिर, कैकेयी भवन और साथ ही लोमशा मंदिर, और इसके अलावा वशिष्ठ जी का आश्रम, सुमित्रा भवन, सीताकूप, और बीच बीच में ये है कि राम की जन्मभूमि कहाँ पर है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि लोमशा के पश्चिम दिशा में 500 धनुष यानी 910 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है।
अयोध्या का इतिहास भी गौरवशाली है और वर्तमान में इस नगरी का गौरव बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सपना साकार हो रहा है और सनातनी परंपरा की विरासत समेटे अयोध्या पूरे संसार के सामने नए रंग नए रूप में तैयार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले अयोध्या में 2400 किलो वजन का घंटा पहुंचा है। राम मंदिर में लगने वाले इस घंटे को कहां से लाया गया, ये कैसे बना, किन धातुओं से बना, ये सारी जानकारी आपको सिर्फ एक मिनट में मिलेगी। जितना भव्य राम मंदिर उतना ही विराट महाघंटा। इस महाघंटे को राम मंदिर में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जलेसर शहर से एक विशेष रथ पर 2400 किलो वजन वाले घंटे को अयोध्या लाया गया और इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रामलला के नाम पर सौंप दिया गया। ये महाघंटा अष्ट धातु से बना है, यानी इसे बनाने में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, टिन, पारा, इन 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। 2400 किलो का घंटा बनाने में 21 दिन लगे, 70 मजदूरों की मेहनत लगी और 25 लाख रुपए खर्च हुए। सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल की ओर से राम मंदिर के लिए ये भेंट स्वरूप दिया गया है। घंटा राम मंदिर के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। ये हमारे विकास मित्तल जो चेयरमैन भाई थे उनकी स्मृति में जलेसर के लिए 21 किलो का घंटा ये राम मंदिर के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। राम मंदिर तक 2400 किलो का घंटा पहुंच चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने का दरवाजा लग चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाले अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए देश भर से 108 संतों को अयोध्या बुलाया गया है। वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर और नेपाल से भी संत बुलाए गए हैं। 14 वर्ष बाद दीप जलाए थे, अब 500 साल बाद उत्सव मना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं वेदमूर्ति रविन्द्र पैठणे नासिक से आया हूँ और बड़े भाग्य की बात है कि जो अचल प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है वो दिसंबर से चल रहा है और यहाँ पर चारों वेदों का पारायण एवं हवन हो रहा है। तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का हवन और पारायण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे भारत से लगभग 108 लोगों ने इसमें सहभाग लिया है। यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो है तमाम पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं और 108 पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं जो इस पूरे यज्ञ को जो है आहुति देंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और उसमें ये लोग सहभागिता के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।